अगर आप लोग भी एक सप्लीमेंट परचेस करने का सोच रहे हो तो अच्छी बात है यार, कर लो, पैसे वाले हो। लेकिन यार जब आप लोग सप्लीमेंट परचेस करोगे तो क्या गारंटी है कि वो सप्लीमेंट फेक है कि ओरिजिनल? अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट बताना। और क्या रिजल्ट है कि वो जो आप सप्लीमेंट परचेस कर रहे हो वो ओरिजिनल ही है, फेक नहीं है? तो इस वीडियो में यही डिस्कस होगा कि कैसे क्लियर करें हम लोग कि वो सप्लीमेंट ओरिजिनल है कि फेक है। तो वीडियो में बने रहना, पूरा एंड तक देखना। मेरा नाम श्रीवास्तव और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। यार जब भी आप सप्लीमेंट परचेस करने जाओगे ना तो आप लोगों को सिर्फ दो चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो चीज़ मैं बताऊंगा एंड में। तब तक दो तीन इंपॉर्टेंट लाइन है, सुन लो। और एक थोड़ा सा एग्जांपल भी हमारे पास। इसको बुलाते हैं, बहुत अमीर बनता है अपने आप। छोटे बेटे, अरे बेटे इधर आओ। हाय करो कैमरे में। ये छोटू है, ये भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ये भी सप्लीमेंट परचेस किए थे। ये पूछते हैं इनका सप्लीमेंट फेक है कि ओरिजिनल। ये बताओ, ये जो तुम सप्लीमेंट लिए हो ये फेक है कि ओरिजिनल? ओरिजिनल हमें दिखाया है अपना सप्लीमेंट कितने का है, हम भी सोच रहे हैं लेने का। ये है इनका सप्लीमेंट, जो कि मुझे प्राइस देख के लग रहा है कि ये 1 kg वाला लिए हैं 1200-1300 रुपए का। आइए पता करते हैं ये ओरिजिनल है कि फेक है। इसका बार कोड स्कैन करो जरा। बार कोड स्कैन करने पे कुछ और पता आ रहा है। ये रही पहली गलती। तो आप लोग जब भी सप्लीमेंट परचेज करें उसको पहले बार कोड जरूर स्कैन करेंगे, देखिए उसका जो बार कोड है वो सही जगह से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। बार कोड तो जब तक ये गया दूसरे तरीके से ट्राई करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका कौन सा है। आप लोग को एक कांच की ग्लास लेनी है और उसमें पानी डाल लेना, उसमें अपना एक स्कूप प्रोटीन डाल लीजिए और उसको शेक करिए अच्छे से। शेक करने के बाद देखिएगा अगर वो ओरिजिनल सप्लीमेंट होगा वो एक दो चम्मच से करने में ही पूरा घुल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, अच्छे से पानी में घुल जाएगा। अगर वो फेक सप्लीमेंट रहेगा तो आप उसको जितना भी घोलोगे उसको घोलने के बाद भी उसमें कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स नीचे जमे मिलेंगे आपको, वो फेक सप्लीमेंट। तो ये दो तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर यार वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी